बुद्ध, आम और बच्चे। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे, तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। परिश्रम के साथ धैर्य भी। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढा को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई, बोले, गौतम, मैं न तुम्हारा हल देखता हूँ, न बैल और न ही खेती के स्थल, तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाएं। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी ज्योत और हल है पाप, भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है, वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। बुद्ध ने कहा, सबका हित करो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहाँ तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक ये क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पढ़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूँ और इंसान हूँ। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का, जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ,
किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताए मैं क्या करूँ? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने ये कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? उद्धरण चिन्ह। युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूल कर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपने विचार जरूर व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ मैन अप के और हमारे चैनल वर्ल्ड रिलैक्स मेडिटेशन WRM को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। नमो बुधाया।